देश और दुनिया में शाकाहार और जीव दया की अलग जगाने वाले वर्तमान के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 19 फरवरी 2021 को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपने सत्संग संदेश में बताया कि मनुष्य का खून शाकाहारी है और जब मांसाहार खाते हैं तो ये बेमेल हो जाता है और यही बीमारियों का कारण बनता है। मांस से मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, ये बीमारियां अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा और क्रोध, ये सब के सब मांसाहार की देन है। मनुष्य का जो खून है वो शाकाहारी है और जो चीज खाते हो उसी का खून बनता है। मांस खाओगे तो उसका खून बनेगा और शरीर के अंदर जो खून है वो शाकाहारी खून है, तो दोनों तालमेल नहीं खाता, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। देखो जो जानकार वैद्य जो लोग हैं कहते हैं ना कि दूध और घी एक सम्मत खाना, कहते हैं कि कटहल और घी नहीं खाना चाहिए, शहद और वो जहर हो जाता, बहुत सारी घी और शहद जहर हो जाता है, जो जानकार हैं वो बताते हैं और जो नहीं जानकार हैं खा लेते हैं तो उसी से जान तक उनकी चली जाती है। ऐसे ही यानी समझो कि तमाम बीमारियों का कारण यही है मांसाहार। आप ये समझो कि कोई रोगी यानी जानवर है और उसको काट करके लाए और खाए तो वो मांस अंदर जाएगा तो रोग पैदा करेगा कि नहीं करेगा? कोई टेस्ट करके मुर्गा भैंसा को लाता है कि ये सही है कि गलत है, कि इसके अंदर बीमारी है कि नहीं है। और होटल में खाने वाले लोग तो पूछते भी नहीं किसी से कि किस चीज़ का मांस है ये, वो तो खाते दबाते चले जाते हैं। अरे सुन करके देख करके अगर पता लगाने को हो तब तो देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं किस चीज़ का है, लेकिन जब मिर्च मसाला लग गया उस पर, जब उसका रंग बदल गया, रूप बदल गया, स्वाद बदल गया, तब क्या पता किस चीज़ का है। देखो जानवर तो भी सूंघते हैं, आप घोड़ा के सामने बैल के सामने मांस डाल दो, सूंघ के छोड़ देते हैं, लेकिन आदमी को सूंघता समझता पूछता है, जो मिल गया खाता दबाता चला जाता है, तो रोग होगा कि नहीं होगा। तरह तरह की बीमारियों का यही कारण है, इसलिए मांस मत खाओ। मांस जो लोग आपके मिलने जुलने वाले परिवार के लोग हैं उनको समझाओ कि छोड़ दें स्वस्थ रहने के लिए। देखो बुद्धि खराब क्यों होती है, इसी वजह से कहते ब्लड प्रेशर हो गया, खून का दौरा तेज हो गया, क्रोध क्यों आता है, खून जब तेज हो जाता है, कहते ना खून खोल रहा नेत्रों के सामने से हट जाओ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो खून क्यों गर्म होता है, इसी वजह से मांसाहारियों का खून ज़्यादा गर्म होता है। अपराध भ्रष्टाचार ये सब क्या है, ये सब इसी की देन है, ये खून कतल ये सब क्रोध का यानी समझ लो कि देन है, ये क्रोध ही इसकी जननी है। और क्रोध आता क्यों है, मांसाहार की वजह से आता है, कैसे ये भी बता दें। एक कमरे में चार बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात में खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में चार कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर झों 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 फिंग फूंग फों फों करते रहेंगे। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़े, क्यों? क्रोध ज़्यादा है, मांसाहारी नोचते हैं दूसरे को। इसलिए प्रेमियों कुल मिला करके हमने यही रिसर्च किया कि तकलीफों की जड़ या मांस और शराब है, तो आप इससे दूर रहोगे।